क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखे वो ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात कहे सोच कर आप देखते हैं कि कैसी मानसिकता इससे साफ नजर आती है। जो कोई सरकार का प्रतिनिधि ऐसी बात कहे तो इसका मतलब तो ये है कि सारी सरकार की, सत्ता पक्ष की यही सोच है ऊपर से नीचे तक, और शायद यही कारण हो, यही मानसिकता हो, यही सोच हो जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भी किसान के जान जाने पर, जबकि 200 के करीब आंकड़ा जाने को हो रहा है, किसी भी जान जाने पर उन्होंने आज तक दुख प्रकट नहीं किया है, खेद प्रकट नहीं किया। तो कोई कोई बात ऐसी होती है जो दिल में होती है, जहन में होती है और वो जबान पर आ जाती है। देश दुनिया यही समझेगी कि असलियत इनकी यही। बड़े हैं रसोई जैसे दाम बेलगाम हो गया और पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया है, तो क्या इस प्रॉब्लम में? ये तो जिस तरह से नाम दिया गया था उज्ज्वला, इससे आपको नजर आ रहा है कि कितना उज्ज्वल लोगों की जिंदगी हो रही है, महिलाओं की कितनी उज्ज्वल जिंदगी ये कर रहे हैं। हर रोज कीमत बढ़ाते हैं, चोर रास्ते से बढ़ता है, सब्सिडी मिलती नहीं, सब्सिडी खत्म होती जाती है, तो ये क्या तोहफा है? और आप आंकड़े बताएंगे देश के सामने, ये आंकड़े आने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों को उज्ज्वला से फायदा पहुंचा था और उसके बाद में कितने लोग रिफिल के लिए आते हैं, ये सारी बात सामने आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, अब देखते हैं कि ये भी चोर रास्ते से रोज़ बढ़ता चला जाता है। देश के सामने, नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। और जब ऐसे कीमत बेलगाम बढ़ती चली जाती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, निजी की बात मैं नहीं कहूँगी, निजी तो सबको साफ नज़र आता है जिसने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है, उसको तो साफ दिखता है क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है, दूसरा चोर रास्ते से जा रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी तो हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो हर तरह से ये आम नागरिक की जेब पर डाका डाला। शैलजा जी, विकास के नाम पर जो वोट मांगे गए थे जनता से, लेकिन आज जो है भेदभाव की एक राजनीति की जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये भेदभाव तो साफ नजर आ रहा है, कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, विकास नाम की वैसे भी कोई चीज नहीं है। मुझे आप बता दें, आप करनाल में हैं, सीएम सिटी में हैं, सीएम सिटी को क्या मिला है जो पहले कार्य शुरू हुए थे और अभी भी सारा शहर में जो हाल है, बदहाली है, तो क्या सीएम सिटी का फायदा? और क्या हम ये कहें कि भेदभाव, भेदभाव भी आम नागरिकों में भी भेदभाव हो रहा है, तो ये विकास क्या है? विकास कहीं वैसे भी नज़र नहीं आता, कहीं है तो इस तरह से लॉपसाइडेड विकास हो रहा है। हम हाईवे पर ही देख लें, इस हाईवे का क्या हाल है, दिल्ली से निकल के आप देखो क्या हाल है इस हाईवे का। पानीपत तक कम से कम मैं कह सकती हूँ, दिल्ली से पानीपत तक इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, कार्य ऐसी धीमी गति से चल रहा है, कछुए की चाल से, और कहने को बहुत बड़े बड़े डिंगे मारते। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो भी ये है, पहले दिन से मैं कह रही हूँ, जो आंदोलन किसानों का है वो किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, उनकी मांग है, हमारी मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। आंदोलन उनका अपना है, सरकार के साथ बातचीत है वो किसान संगठनों की है, तो उनका अपना, हमारा जो है, हम राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी का अपना जो कार्य है, आपने जैसे हमने शुरू में ही बात की, हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, राहुल जी ने खुद जगह जगह जाकर अलग अलग राज्यों में किया, हमने किया, हमारा विरोध निरंतर
सदन में भी और बाहर भी सड़क पर भी चल रहा है, वो हमारा कार्य है। किसान संगठन अपनी नीति खुद तय करते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से राम भक्त जैसे बताया जा रहा है, इनको शर्मा की हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक आईपीएस अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर आपके क्या विचार है? एक तरफ अगर आम आदमी कोई कंप्लेन करता है, लोकतंत्र है ना, खुलापन है, आप देख सकते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। बेशक प्राइवेट में भी, कहीं प्राइवेट में भी कुछ बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होती है। किसान किसान फाइन, आपने अभी अभी कुछ समय बयान दिया था, मैंने आपने से बयान आया कि आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया, कल एक महिला जो नेत्री ने बयान दिया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ने कुछ कह दिया किसी की जबान की, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने, वो जवाब अपना दे देंगे, कोई पार्टी का थोड़ा ही है ये। क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? हाँ जी, क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? ये तो आप बताएंगे, आप देखिए मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, अफसरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो क्या कोई जबान खोल कर दिखाए? तो कभी किसी पर रेड होता है, कभी किसी को अंदर किया जाता है, कभी किसी की जबान बंद की जाती, क्या है? कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है, विपक्ष के रूप में रहते हुए भी। पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते थे, बीजेपी उसे एक रुपया बढ़ता था, अगले दिन प्रदर्शन शुरू हो जाता था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। देखिए अब किसी ने आँख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना वो हमारा कर्तव्य है, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे ये जैसा मैंने कहा एलपीजी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे सेंटर के अंदर भी और स्टेट में भी, क्या कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक करती है? वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। चैलेंज किसान आंदोलन में लगातार किसान जो है सड़कों पर है, लेकिन सड़कों पर किसान रहने के बाद भी जो है ना सत्र होगा विधानसभा का, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मैम किसान आंदोलन को कभी राजनीतिक अखाड़ा बता दिया जाता है, कभी शाहीनबाग बता दिया जाता है, कभी खालिस्तान बता दिया जाता है, कभी क्या कहना चाहेंगे इसके? कभी टेररिस्ट बता दिया जाता है, कभी कुछ, कभी क्या, आजकल नए आंदोलन जीवी बता, परिजीवी, आंदोलन जीवी, नए नए शब्द सुन रहे हैं हम आजकल लोगों के प्रति। ये क्या मंशा समझते हैं मैडम? एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अपनी आवाज विरोध प्रदर्शन करने का सबका हक होता है। दिशा को मैडम, लड़की बीजेपी ने 258 वादे किए थे अपना संकल्प पत्र बताकर 2019 में, क्या समझते हैं कितने वादे पूरे हुए? उनका संकल्प यही है कि असली बात को छिपाओ और लोगों को बरगलाओ, इनका संकल्प।